हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रवा उत्पम। उत्पम बनाने के लिए एक कटोरी सूजी और आधा कटोरी दही को अच्छे से मिक्स कर लें। पहले इसमें एक कटोरी पानी डालेंगे। पानी को धीरे धीरे डालें। अगर बैटर गाढ़ा लग रहा हो तो इसको पतला करने के लिए थोड़ा सा पानी और डाल लें। इस बैटर को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम एक कटोरी पालक को ग्राइंड करेंगे। दस मिनट के बाद बैटर में टेस्ट के अनुसार नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर मिक्स कर लें। बैटर में से एक हिस्सा निकाल कर उसमें पालक की पेस्ट डालकर मिक्स कर लेंगे। गरम तवे को ऑयल से ग्रीस करके व्हाइट बैटर को डालेंगे। अब इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी को डाला है। इसमें आप अपनी पसंद की सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लें। दोनों तरफ से सिक जाने पर इसे एक प्लेट में निकाल लें। दूसरा उत्पम पालक वाला भी इसी तरह ही बनाएंगे। इसे भी दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। इसी तरह से एक व्हाइट उत्पम और बना लेंगे। सबसे पहले व्हाइट उत्पम, उसके ऊपर ग्रीन उत्पम और एक व्हाइट उत्पम रखेंगे। अब इसे 4 पीसेस में कट कर लें। हेल्दी उत्पम बनकर रेडी हैं। इसे आप ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हैं। इसे आप हरी चटनी और टमाटो सॉस के साथ सर्व करें। और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स करें।